एक एनीमे खत्म होने के बाद या एक एनीमे का सिर्फ सीजन वन आया है या फिर एनीमे ने ढंग से एडप्ट नहीं किया सोर्स मटेरियल को, तब हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस लेके मांगा की तरफ जाते हैं। बट मांगा के इजीली अवेलेबल और चीप ना होने की वजह से मांगा की पॉपुलैरिटी गिर रही है इंडिया में, और ये कहीं ना कहीं हमें मजबूर भी करता है कि हम पायरेटेड साइट्स पे जाके मांगा पढ़ें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम मांगा कैसे खरीद सकते हैं इंडिया में, वो भी एक चीप प्राइस पे। मैं इस वीडियो में हार्ड कॉपी वर्जन की बात करने वाला हूँ, ना कि डिजिटल वर्जन। इस वीडियो में मैं मोस्टली कुछ दो कॉमन वर्ड्स का यूज करने वाला हूँ, पॉपुलर और अनपॉपुलर। पॉपुलर मांगाज में आ जाती है ड्रैगन बॉल, वन पीस, नारुतो, ब्लीच, टोक्यो गूल, पंचमैन, डेथ नोट, माय हीरो एकेडमिया, अटैक ऑन टाइटन, बाकुमान और कुछ दो तीन टाइटल्स। पर इन सबको छोड़कर जो बाकी सारे टाइटल्स बच गए हैं वो फॉल करते हैं हमारे अनपॉपुलर मांगा में, और जितना एक पॉपुलर मांगा होगा उतना ही वो इजीली अवेलेबल होगा और एक चीप प्राइस पे होगा। पर चिंता मत करो, आज की वीडियो में मैं अनपॉपुलर मांगा कहाँ से खरीदें वो भी एक चीप प्राइस पे, उस पर भी बात करूंगा। सो इस वीडियो के पहले पार्ट में मैं बात करूंगा उन ई कॉमर्स साइट्स की जहाँ पर हम मांगा खरीद सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज Amazon। मोस्टली पॉपुलर मांगा मिल जाएगी और Amazon पे बॉक्स सेट्स पे भी कई बार बहुत अच्छा सेल लगता है, खासकर टोक्यो गुल, बाकुमान और डेथ नोट। अगर तुम Amazon पे मांगा लिख के सर्च करोगे तो तुम जब टाइटल्स लिखोगे तो उनका प्राइस ज्यादातर 500 या थोड़ा सा 500 से कम या थोड़ा सा ज्यादा उससे स्टार्ट होगा। पर अगर तुम यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे कि 200 से 300 या 300 से 400 या फिर अंडर 500, तो तुम देखोगे कि बहुत सारे चीप टाइटल्स अवेलेबल हैं जो पहले नहीं दिख रहे थे, और यहाँ पर अब तुम्हें कुछ अनपॉपुलर टाइटल्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट साइट इज Flipkart। मोस्टली अगर मैं कंपेयर करूँ Amazon और Flipkart में तो ज़्यादातर Amazon पे अच्छी डील्स आती हैं, पर कई बार जब मैं बॉक्स सेट्स को देखता हूँ तो Flipkart पे बहुत ज़्यादा ही अच्छी डील आती है, क्योंकि लास्ट थोड़े ही टाइम पहले इस पे 3500 का एक डेथ नोट का पूरा बॉक्स सेट मिल रहा था। इस पे भी तुम्हें पॉपुलर मांगा मिल जाएंगे, पर ये Amazon के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा हाई प्राइस पे होंगे, और अनपॉपुलर मांगा Amazon से तो कम ही मिलेंगे। बाकी इसमें भी तुम वही चीज़ ट्राई कर सकते हो कि तुम एक पर्टिकुलर मांगा लिखो और उसके बाद एक पर्टिकुलर रेंज लगा दो, अंडर 500 या अंडर 200। मैंने जब ऐसे देखा ओपन करके तब मुझे कुछ अजीब सी ही डील्स मिली, जिसके अंदर साइलेंट वॉइस का कंप्लीट बॉक्स सेट कुछ 7 रुपये पे मिल रहा है। तो यस, अगर ऐसा सच में होता है या Flipkart दिखा रहा है तो मुझे नहीं पता, पर अगर ऐसा सच में हुआ है तो सोच के देखो यार, इससे अच्छा हो क्या सकता है। बाकी हाँ, तुम्हें अपडेट रहना पड़ेगा हमेशा, Amazon पे भी Flipkart पे भी बार बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी डील्स आने के बाद जल्दी ही निकल जाती हैं। हमारी नेक्स्ट साइट है Bookswagon। असल में ये Amazon पे ही एक सेलर है Bookswagon, पर हुआ क्या कि Amazon पे जब मैं देखता हूँ कि Bookswagon की जितने भी मतलब बुक्स हैं मांगास, वो सारी की सारी मतलब हाई प्राइस पे हैं। अगर मैं इसकी ओरिजिनल साइट पे जाता हूँ Bookswagon की, हाँ इसकी ओरिजिनल साइट है Bookswagon की, तो वहाँ देखने पर दिखता है कि भाई Amazon पे तो ज़्यादा की बिक रही हैं, 200-300, और इस पे तो कम की हैं। तो हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई सेलर, तुम चेक करते हो कि मांगा पर्टिकुलर मांगा कोई Bookswagon है, तो तुम Bookswagon की डायरेक्टली साइट पे जाके एक बार ज़रूर चेक करना, क्या पता 200-300 रुपये का तुम्हें प्रॉफिट हो जाए। बाकी Bookswagon पे पर्टिकुलरली पॉपुलर मांगर्स मिलती ही हैं, पर अनपॉपुलर टाइटल्स तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे मिल सकते हैं। हमारी नेक्स्ट साइट है कॉमिक लैंड। अगेन इस पे तुम्हें पॉपुलर मांगास मिल जाएंगी और कुछ अनपॉपुलर मांगा मिल जाएंगी, कुछ अनपॉपुलर मांगा, तो मैं बार बार कह रहा हूँ पॉपुलर मांगा मिल जाएंगी, अनपॉपुलर मांगा कुछ मिलेंगी। असल में ये तुम्हें, अगर तुम्हें एक अनपॉपुलर मांगा ढूंढ रहे हो बिल्कुल ही अनपॉपुलर, तो तुम्हें बार बार देखना पड़ेगा सारी साइट्स पे, वरना पॉपुलर मांगा तो तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। अगेन इस पे भी तुम प्राइस का एक रेंज लगा देना और उससे भी चेक कर सकते हो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो एक अच्छी डील मिल ही जाएगी साइट पे भी। और इस पे सिर्फ मांगा नहीं, इंडियन कॉमिक्स भी मिलती हैं और वेस्टर्न कॉमिक्स भी मिलती है, तो तुम उन्हें भी देख सकते हो। हमारी अगली साइट है बुक डिपॉजिटरी। ये साइट पॉपुलर मांगा के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, पॉपुलर मांगास के लिए तुम Amazon, Flipkart ऐसी जगह पर देख सकते हो, पर इस साइट पे पॉपुलर मांगा थोड़ी सी ज़्यादा महंगी आती हैं। बाकी अनपॉपुलर मांगा इस पे बहुत सारी हैं Amazon की कंपैरेटिवली, और ये फ्री वर्ल्ड वाइड डिलीवरी भी करते हैं, सो तुम इसे चेकआउट कर सकते हो अगर तुम कोई अनपॉपुलर मांगा ले रहे हो तो। नेक्स्ट वन इज़ Wordery।
या वॉडरी, पता नहीं भाई अजीब सा नाम है। तो इस पे भी तुम अनपॉपुलर मांगा के लिए चेक कर सकते हो, पॉपुलर मांगा के लिए तुम बाकी साइट्स पे देख सकते हो, पर इस पे भी बुक डिपॉजिटरी की तरह ही अनपॉपुलर मांगा का ज़्यादा है, अच्छे खासे प्राइस में मिल जाती हैं। और पहली बात तो मिल जाती हैं अनपॉपुलर मांगास, क्योंकि अनपॉपुलर मांगा मिलना ही मुश्किल है। तो यस, तुम इस पे अनपॉपुलर मांगास चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट साइट इज एंटरटेनमेंट स्टोर, अगेन पॉपुलर मांगास, कुछ अनपॉपुलर मांगास, और तुम इसे चेकआउट कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट साइट इज हाफ प्राइस। देखो, अगर तुम्हारा सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लक है तो तुम्हें इस पे शायद कुछ मिल जाए, और क्योंकि मेरा लक अच्छा था तो मुझे मिल गया डेथ नोट का पूरा बॉक्स सेट, वो भी 4499 में। तो कई कह रहे होंगे नहीं भाई, मैंने तो इससे भी सस्ता लिया है। देखो यार, मैंने सारी तरफ चेक किया था अभी, अमेज़ॉन पे भी, फ्लिपकार्ट पे भी, बाकी सारी जगहों पर, तब जाके यहाँ पर सबसे ज़्यादा चीप मिला है मुझे। तो हाँ, मेरे लिए एक अच्छी डील है एक तरह से अभी के लिए, क्या पता तुम्हें 2000 या 3000 का ही मिल गया हो, बट बाकी मेरे लिए अभी के लिए तो अच्छी डील है। हाँ, इस साइट को वैसे तुम चेक करते रहना, इस पर हाफ़ प्राइस में बुक्स मिलती हैं, जितना है उसका, नाम से ही समझ सकते हो। तो वैसे कुछ खास मांगास थे नहीं, बट या अगर अच्छी डील मिल रही है एक ऐसी साइट पे जो अमेज़ॉन पे नहीं मिल रही, ना ही फ्लिपकार्ट मिल रही है, तो यस यार, तुम चेक तो कर ही सकते हो एक बार। अब मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी पर्टिकुलर शॉप्स की, जो जैसे कि मेट्रो सिटीज़ में जो शॉप्स हैं, दिल्ली में, मुंबई में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वहाँ पर जो पर्टिकुलर शॉप्स हैं, उनकी जो पर्टिकुलर साइट है, उनकी बात करने वाला हूँ मैं। पहले ही बता दूँ कि उनकी ये साइट्स कभी भी अपडेटेड नहीं होती। अगर तुम मेट्रो सिटीज़ में ही हो तो तुम्हारे लिए तो बहुत आसानी से मांगास हो जाएंगी, पर अगर कोई मेट्रो सिटीज़ के बाहर है और फिर भी एक बार इन शॉप से चेकआउट करना चाहता है, तो तुम इन्हें कांटेक्ट करके इनसे पूछ सकते हो कि तुम्हारे पास ये पर्टिकुलर मांगा है और कितने प्राइस पे है, और वो तुम्हें डिटेल्स दे देंगे और तुम्हें और कुछ ऑर्डर के चार्जेस ले लेंगे। चिंता मत करो, ऑर्डर के चार्जेस ज़्यादा नहीं होते। तो हमारी पहली शॉप है मिडलैंड बुक शॉप, ये दिल्ली में है। इनके पास तुम्हें पॉपुलर मांगा अगेन बहुत सारी मिल जाएंगी, अनपॉपुलर टाइटल्स तुम्हें कम ही मिले, बाकी तुम्हें इन्हें कॉन्टैक्ट करके पूछना पड़ेगा। अब नेक्स्ट साइट इज ओम बुक शॉप, इनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, गुरुग्राम में भी है इनका, दिल्ली में भी है, और दिल्ली में भी शायद 4-5 जगह है, 3-2 जगह तो है। अगेन इनके पास ज़रूर कॉल करके देखना, साइट पर जो है उसके ऊपर भरोसा मत करना, अपडेटेड नहीं होती है इनकी साइट्स, और अगर कॉल करने के बाद कोई अच्छी डील मिल जाती है सो यस, टेक इट। हमारी जो अगली शॉप है वो है फेमस बुक शॉप की, साइट भी है, उनकी साइट अपडेटेड रहती है बाकी सबसे कंपेरेटिवली। इनके पास तुम्हें पॉपुलर मांगा तो मिल ही जाएंगे, पर अनपॉपुलर मांगा भी कुछ अच्छे मिल जाएंगे, और पॉपुलर मांगा भी तुम्हें यहाँ से अगर परचेज करोगे तो शायद से थोड़ा तो अमेज़ॉन से सस्ता पड़ेगा यहाँ से। और अनपॉपुलर मांगा में यहाँ तुम्हें ओल्ड टाइटल्स मिलेंगे कुछ, जैसे कि फ्लावर ऑफ ईविल, GTO। हाँ, पर अनपॉपुलर मांगा में जो तुम्हें यहाँ टाइटल्स मिलेंगे उनके पूरा कंप्लीट सेट तुम्हें शायद ही मिले, ज़्यादातर इनकम्प्लीट सेट ही होता है यहाँ पर, बट एक 300-400 रुपये तक में आ जाती है मांगा यहाँ पर, अनपॉपुलर मांगास की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। यस, पर ये शॉप अगर तुम पॉपुलर मांगा लेते हो तो तुम यहाँ पर ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि अमेज़ॉन से यहाँ पर बहुत बार सस्ता मिलता है और शिपिंग चार्जेस भी कम है, और अगर तुम इसके पास में ही हो तब तो तुम समझ ही सकते हो। सो यस, ज़रूर देखना इसको। अब फेमस बुक शॉप से अपनी पहली मांगा खरीदते हुए आप पा सकते हैं 5 रुपये की छूट अगर आप यूज़ करें कोड डॉक्टर एनीमे। क्या यार, कितनी छूट चाहिए तुम्हें, पहले ही सस्ता मिल रहा है वहाँ पर अच्छा खासा। अब नेक्स्ट शॉप इज ब्लॉसम बुक हाउस, ये बेंगलोर में है। अगेन तुम्हारी जगह के स्पेसिफिक, अगर जितना मतलब पास एक शॉप है उसके हिसाब से फ़ोन करना, ये मत करना कि अगर तुम बैठे हो हरियाणा में और तुम फ़ोन कर रहे हो बिल्कुल तमिलनाडु में, क्या पता शिपिंग चार्जेस कितने ले लें वो तुमसे, बट फिर भी एक बार ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि मैं यहाँ हरियाणा में और मैंने जब मुंबई कॉल करके किया तब मुझे कुछ अच्छी डील मिली, और वो भी 150 रुपीज़ से शिपिंग चार्जेस, तो मैंने वो ले ली। समझ रहे हो ना, अपनी बात को काट रहा हूँ मैं। सो यस, ब्लॉसम बेंगलोर, इस बुक हाउस में तुम्हें मिल जाएगी फेयर अमाउंट ऑफ मांगास, और बस मैं क्या ही कह सकता हूँ, तुम्हें खुद चेकआउट करना पड़ेगा बाकी कॉल करके, बाकी अगर तुम्हारे आसपास है तो ज़रूर करना। नेक्स्ट शॉप इज़ हिगिन बोथम्स चेन्नई, अगेन फ़ोन करके देखना पड़ेगा तुम्हें।
अगर इस सब के बाद भी अगर तुम्हारी अनपॉपुलर मांगा इन सब किसी भी साइट्स पे नहीं मिलती है तो मैं तो कहूँगा पहली बात तो उम्मीद छोड़ दो, सच में उम्मीद छोड़ दो अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो यस तुम तो क्या तुम्हें बताने की ज़रूरत है क्या करना होगा। Amazon USA पे जाओ, Barnes & Nobles, Right Stuff Anime, इन सब साइट्स पे जाके तुम चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। और अगर तुम चाहते हो कि पैसे कम है और फिर भी वो मांगा चाहते हो तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा, मुझे नहीं पता वो जादू होगा या क्या होगा, कि शिपिंग चार्जेस USA से इंडिया के या जिस भी कंट्री से तुम मंगवा रहे हो वहाँ के बहुत ही कम हो जाएं। ऑब्वियसली शिपिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से बाहर की कंट्री से मंगवाना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। बट यस, अगर तुम्हारे पास सच में कोई ऐसा मेथड है कि तुम शिपिंग चार्जेस बहुत ही कम करा सकते हो USA टू इंडिया, प्लीज़ वो कमेंट ज़रूर करना मुझे। अब तक हमने बात की है सारी की सारी न्यू मांगास की, पर अगर देखा जाए तो ओल्ड मांगास में भी क्या दिक्कत है। जब तक कि तुम्हें बस न्यू मांगा ही चाहिए तब तक तो क्या ही दिक्कत है। तो यह सब मैं बात करने वाला हूँ कि तुम ओल्ड मांगास कैसे ले सकते हो, एक तो और वो तो वैसे भी चीप प्राइस पे ही होने वाली हैं। तो यस लेट्स स्टार्ट। OLX, जब भी बेचने और ख़रीदने की बात आती है कुछ भी पुराना सामान तो इस साइट की बात तो होनी ही है। इस पे तुम डेफिनेटली चेक कर सकते हो कि आखिर तुम्हारे आसपास एरिया में क्या है, या फिर दूर सच बताऊँ ऑल इंडिया चेक कर लो, क्योंकि कुछ ऐसी डील्स होती हैं कई बार जिन्हें शायद तुम देखने के बाद रिफ्यूज़ ही ना कर पाओ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट इज क्विकर, इस पे मुझे शायद से एक मांगा या दो मांगा ऐसा कुछ दिखा था, इससे ज़्यादा नहीं दिखी थी कोई भी मांगा कोई बेच रहा हो। तो अगली साइट है फेसबुक मार्केट प्लेस, यहाँ भी तुम चेक कर सकते हो, यहाँ भी मुझे बस एक या दो टाइटल ही दिखे जहाँ पर ऐसे मांगा बिक रही थी। हाँ बाकी तुम चेक कर सकते हो, यहाँ पर दिल्ली के थे मोस्टली। अब नेक्स्ट साइट इज़ secondhandbooksindia.com। अगेन मैं जितने भी ये ओल्ड बुक्स या ओल्ड मांगास के लिए साइट बता रहा हूँ तुम्हें, इन पे बहुत ही कम चांसेस हैं कि तुम्हें अपनी पसंद मांगा मिल जाए। इन पे तुम्हें चीप प्राइस मांगा तो मिल जाएगी, पर अगर तुम सर्च करोगे एक स्पेसिफिक मांगोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें मिलने वाली है। बाकी अच्छा ये रही, मतलब मांगा ही कम मिल रहे हैं तो तुम उम्मीद क्या लगा रहे हो कि एक स्पेसिफिक मांगा मिल जाएगी तुम्हें। बट अगेन अगर तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, जो कि मैं था सच में बहुत ज़्यादा लकी हूँ, तो शायद हाँ तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। नेक्स्ट साइट इज़ यूज्ड बुक्स फैक्ट्री, देख ही सकते होगे इस पे ज़्यादा नहीं है कुछ, बट अगेन अगर कुछ बढ़ता रहा ऐसे ही तो शायद हाँ क्या पता किसी दिन आ ही जाए इस पे कुछ। तो ये सबसे मेन पार्ट है अगर तुम्हें ओल्ड मांगास ख़रीदनी है, पर अब ये मेन पार्ट असल में ख़राब हो जाता है क्योंकि इसमें मोस्टली USA के सेलर्स होते हैं। सो यस अगेन तुम अगर शिपिंग करा सकते हो USA से, कि यहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा ही सस्ती मांगास मिल जाती हैं, क्योंकि वो एक तो ओल्ड होती हैं और कुछ लोग होते हैं कि मतलब उनको जल्दी से जल्दी बस अपना समेट के कहीं जाना होता है और उनको बस मतलब नहीं है कि कितने में बिके और बस बिक जाए। तो तुम जा सकते हो रेडिट में और उसके पर्टिकुलर सब्स में, जो कि है एक तो है मांगा स्वैप, अगला है मांगा कलेक्टर और अगला है मांगा डील्स। अगर तुम USA से शिपिंग करा सकते हो एक पर्टिकुलर चीप प्राइस पे तो यस ये सच में एक तरह से बहुत अच्छी डील रही, क्योंकि इस पे बहुत ही सस्ते में मतलब ऐसी अनपॉपुलर टाइटल्स मिल रहे हैं, मांगा कलेक्ट करते रहे हैं और सो ऑब्वियसली इनकी बुक्स की कंडीशन अच्छी होने वाली है चाहे वो ओल्ड हो। सो यस इसे चेकआउट ज़रूर करना अगर तुम USA शिपिंग वाली वो बात को कर सकते हो कुछ ना कुछ। तो यही था कि हम कैसे ओल्ड मांगा खरीद सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे, हाँ तुम्हें क्या लगा वीडियो ओवर हो गई है? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। सो अब हम बात करेंगे कि हम कैसे एक मांगा फिजिकली किसी लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं, मतलब उन पर्टिकुलर शॉप्स की बात करने वाला हूँ मैं, जिनमें पहले आता है जापान फाउंडेशन, ये दिल्ली में है, तुम वहाँ जाके मांगा पढ़ सकते हो, एक मांगा लाइब्रेरी टाइप है ये। हाँ तुम मांगा ख़रीद नहीं सकते, कहीं तुम वहाँ जाके बोलो मुझे मांगा चाहिए ऐसा नहीं होने वाला, तुम वहाँ पर जाके बस पढ़ सकते हो, ये मांगा लाइब्रेरी है। और अगली है लीपिंग विंडो, ये मुंबई में है, अगेन ये एक मांगा लाइब्रेरी है, तुम कुछ भी नहीं खरीद सकते हो यहाँ से, बस एक तरह से तुम अगर एक्सपीरियंस लेना चाहते हो कि एक फिज़िकली एक मांगा को पढ़ना कैसा लगता है, सो यस यू कैन गो देयर। सो इस वीडियो में मैंने जितने भी मांगा साइट्स की बात की है उनमें से कुछ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से तुम देख सकते हो। मैंने इस वीडियो में बहुत सारी साइट्स बताई हैं, पर क्या अब तुम्हें हर एक साइट पर जाना है? ये डिपेंड करेगा तुम्हें मांगा असल में कौन सी ले रहे हो तुम।
एक पॉपुलर मांगा है तो डेफिनेटली तुम अमेजोन या फेमस बुक शॉप या फिर और कोई मतलब पॉपुलर मांगा जिस पे तुम्हें लगता हो प्रेफर हो, जब तुम देखोगे ना साइट्स को तुम्हें अपने आप पता लगता जाएगा। पर मेरे हिसाब से अमेजोन या फेमस बुक शॉप से लेना चाहिए, और अनपॉपुलर मांगा का कोई अंत नहीं है, उसके लिए और भी साइट्स जुड़ सकते हैं इसमें। पर अगर इन सारी साइट्स पे नहीं मिलता है तो मैं कहूँगा उस मांगा की उम्मीद छोड़ दो। वैसे मैं ज़्यादा सब्सक्राइब कराने पे ज़्यादा ज़ोर नहीं डालता हूँ, पर आज मैं सच में कहना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को सर्च करना यूट्यूब से गूगल से, सच में इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। अगर तुम सब्सक्राइब कर दोगे तो शायद से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन दे देगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर तुम्हें ऐसी वीडियोज़ और चाहिए मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में तुमने सबसे सस्ती मांगा की डील कितने में की है। आई होप तुम्हें मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।